मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113.21 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें गोरखपुर जनपद के 40,700 किसान लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खाते में राहत राशि भेजी गई है, जो सभी किसानों को मिलाकर 10,20,00,000 रुपया किसानों के खाते में भेजा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार के दो किसानों, तरकुल्हा निवासी परमहंस और डाडी रावत निवासी कुंती देवी से बात की और उनके फसलों के नुकसान के संबंध में अवगत हुए। इस दौरान फसलों के नुकसान की भरपाई पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शीघ्र ही सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी, इस बाबत कार्य योजना तैयार हो रही है। जब तक ऐसा नहीं हो पाता है, तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा और हो भी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिले या सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में मिलना ही चाहिए। इस संबंध में जिलाधिकारी केविजन पांडेय ने बताया कि जनपद में बाढ़ में 212 गांव पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और 145 गांव मरुण हो गए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 22,000 हेक्टेयर किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 40,700 किसानों के खाते में राहत राशि भेजी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 10,20,00,000 रुपए किसानों के खाते में भेजा गया है और जिले के लगभग 50,000 किसान जो छूट गए हैं उनको भी शामिल करते हुए राहत कुछ दिनों में उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परमहंस और कुंती देवी तथा जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने कहा, 10,20,00,000 रुपया जारी है सर, और आज कुछ किसान आपसे बात करने भी चाहते हैं सर। इस पे मैं चाहता हूँ सर, ये परमहंस जी आए हुए सर तरकुल्हा से, वो इनका 9,500 रुपया आज मिल रहा है सर आपका हाथ से, और ये आपसे वार्ता करेंगे सर। कैसे हैं आप? हम ठीक है। आपका कैसे, बाढ़ से नुकसान हुआ था या जल जमाव से? नहीं, बाढ़ से नुकसान हुआ था सर, वहाँ जो रेगुलेटर आप बनवाए हैं तरकुलानी में उसी बगल का, जब रेगुलेटर बन जाएगा तो हम लोग का फसल नहीं नुकसान होगा। आपको जो है फसल का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा आपके खाते में आज जा रहा है, तो मैंने कहा आपको और आपके परिवार को और सभी किसानों को जिनकी फसल नुकसान हुई है उन सबको मैं बधाई दे दूं, और आप लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। यद्यपि जितना नुकसान हुआ है, किसान को बहुत ज़्यादा फसल उम्मीद होती है कि इतनी पैदा हो सके, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो उतना कॉम्पनसेशन, उतना मुआवजा सरकार नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी उस सहयोग सरकार के स्तर पर ही किया जा रहा है। इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार के लिए मैं इस अवसर पर अपनी बधाई दे रहा हूँ सर। ये कुंती जी है सर, इनको भी खाते में पैसा जा रही है सर, ये बाजगांव का रहने वाली है सर। अच्छा, नमस्कार, कैसे हैं आप? बोलिए 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 बाबा जी प्रणाम। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, बोलिए। कितना फसल को नुकसान हुआ था आपका? 4 बीघा। 4 बीघा में जो है उस समय तो आपको राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? हमारे बच्चे लोग घर ही आपकी फसल को बरसात में बाढ़ से नुकसान हुआ था तो धनराशि आज आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना?
और पैसा आपके खाते में भेज रहे हैं हम लोग, इसीलिए जो है यहाँ लखनऊ से पैसा सीधे भेज रहे हैं। जिलाधिकारी आपके खाते में पैसा जमा कर देगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने खाते से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। एक रामचंद्र जी ने फसल थी और 22,000 रामचंद्र जी जी सर नमस्ते 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 देखिए जितना आपका जो है खेत में पैदा होता उतना की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि सरकार फिर भी अपने स्तर पर कुछ मुआवजा आज आप चीज करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपको और आपके साथ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ जिनके खाते में आज धनराशि जो भी मुआवजे की राशि थी जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को मैं बधाई दे सकूँ, इसलिए आपके साथ सीधे हम संवाद बना रहे हैं, ठीक है ना? आपके खाते में भी पैसा जा रहा है और अब जरूर आप लोग जो है सरकार इस जो है नुकसान की कड़ी में आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता करेगी, यही आश्वासन देने के लिए आप मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूँ, उन सब की अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे वह केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या प्रदेश की सरकार, या आप सबके हितों के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान के जीवन में खुशहाली आए इसके लिए लागत का डेढ़ गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को प्राप्त हो सके, ये सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कई जनपदों के आज जिलाधिकारीगण के साथ किसान बंधुगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सभी से इसी बात को कहूंगा कि किसानों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में उन्हें प्राप्त हो ये सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। और जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि किसानों का शोषण हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कौन अन्याय करने वाले शोषण करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुँच जाए, साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है इस कोरोना कालखंड में भी, वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है और स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि क्षेत्र सेक्टर को मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे,
ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े, इससे समय से बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि को उनके खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय परमहंस। तरकुलही के आज मुख्यमंत्री जी ने आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की है, क्या बात की है? हाँ, यही बात की है कि आपका कितना फसल नुकसान हुआ है और कितना पैसा खाते में जा रहा है, आपकी पाए हैं नहीं पाए हैं। आज आपके खाते में पैसा आया है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, खाते में कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हाँ, और जो रेगुलेटर तरफलानी बना रहे इससे तरकुलही काम है, उससे हमको बहुत लाभ, हम लोगों को लाभ मिलेगा, हम लोग फसल में नुकसान होगा, फसल का नुकसान का भरपाई मुख्यमंत्री जी की है, पैसा आपके खाते में भेज दिए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? उनको धन्यवाद, बहुत ठीक लग रहा हूँ। कुंती कहाँ से आई है? डाड़ी रावत से। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है, क्या बात की है आपसे? ये फसल की बात किए हैं। क्या बोले हैं? आपका फसल जो नुकसान हुआ, आज आपके खाते में पैसा गया है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? धन्यवाद कहत है बाबा जी महाराज जी से। देखिए, यहाँ गोरखपुर में 212 गांव पूरी तरह प्रभावित था बरसात में, बाढ़ में 145 गांव मरुंड रहा है, डूबा रहा है। करीब 22,000 हेक्टेयर का फसल का नुकसान हुई है। हम लोग फसल का आकलन किए हैं, तकरीबन 40,700 किसान का पैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी का माध्यम से भेजा जा रहा है। 10 करोड़ 20 लाख रुपया आज उनके खाते में जाएगा। और भी किसान का अलग अलग छोटे छोटे किसान कहीं छूटे हुए हैं, उनके इंश्योरेंस कंपनी माध्यम से आकलन की जा रही है। और भी जो छूटे हुए किसान हैं उनको भी प्रयास करेंगे शामिल करते हुए, जो कितने नुकसान बाढ़ से हुआ है सबको भरपाई हो जाए। सर, लगभग कितने वही तो पता, 40,700 किसान का आज जा रही है, और 2,000-3,000 किसान और जुड़ेंगे, मोटा मोटा 50,000 किसान होंगे इसमें।